का टीवी इंडिया 18वें, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। औरैया नेशनल हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर, चार की मौत। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उस पर सवार चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां से पुलिस ने पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सूचना पाकर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शनिवार को नेशनल हाईवे पर चिरहुली ओवरब्रिज पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक स्कूटी सवार अपनी बहन कमलेशी पत्नी गौतम निवासी दरबासपुर अरसू कोतवाली अजीतमल क्षेत्र से स्कूटी पर सवार होकर राज गौतम पुत्र तार बाबू 23 वर्ष, प्रीति पुत्री तार बाबू 20 वर्ष, अपने बड़े भाई के पुत्र व पुत्री विजय पुत्र रंजीत 10 वर्षीय एवं पुत्री रंजीत 12 वर्ष के साथ औरैया अपने गांव भीखमपुर दयालपुर लौट रहे थे। जैसे यह लोग चिरहुली ओवरब्रिज के ऊपर पहुंचे कि तभी गलत दिशा से आ रहा एक डंफर ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही चार लोगों की मौत हो गई। एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर ग्रामीण व परिजन अस्पताल पहुंच गए। यहां पर कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर COCT सुरेंद्रनाथ यादव, चौकी इंचार्ज निझाई शैलेश पांडे, सदर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार पांडे सहित भारी पुलिस फोर्स अस्पताल में मौजूद रहा। जिला संवाददाता विमल कुमार पांडे की रिपोर्ट। कैसी घटना हुई सर? ये औरैया कोतवाली अंतर्गत चिरूली के पास हाईवे पर एक व्यक्ति अपनी बहन और दो भतीजों के साथ आ रहे थे स्कूटी से, एक ट्रक की चपेट में आ करके इन चारों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है। सर, जानकारी मिली है कि ट्रक उल्टी साइड आ रहा था? हाँ, ट्रक रॉन्ग साइड जा रहा था, ट्रक को पकड़ लिया गया है और जो चालक है उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।